पहाड़ी उत्तराखंडी चैनल में आप सबका स्वागत है। जुड़िए हमारे चैनल से। नमस्कार दगड़ियों साथियों, पहाड़ी उत्तराखंडी चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नौना नैनी भुला भुली जतु लोग भीषण सबन को मैं नमस्कार दगड़ियों। आज जो चर्चा का विषय है, मैं देख रहा हूँ अभी इलेक्शन आए तो नहीं है दोस्तों, चुनाव अभी हुए, लेकिन बहुत से दल बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं और एक दल ऐसा है जो कह रहा है कि भैया मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, एक कहता मैं 200 दूंगा। अच्छी बात है, सबको फ्री में मिल रहा है। आप देख चुके हैं पहाड़ों में जब से ये मिड डे मील शुरू हुआ है, BPL कार्ड का राशन मिलना शुरू हुआ है, जो लोग खेतों में मेहनत करते थे खेतों में जाना छोड़ दिया, खेत बंजर हो गए तो उसकी वजह से जानवर पालना बंद हो गया। अब आप बिजली फ्री दे रहे हो, आपका क्लेम ये है कि आपका राज्य उत्पादन कर रहा है तो आपका हक बनता है, ठीक है, लेकिन उत्पादन क्या प्रीम हो गया, ये हमको समझना चाहिए। आप चाहे टिहरी डैम की बात करें, यहाँ का सबसे बड़ा जो डैम है, जो जलाशय है, वो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, जहाँ से हम लोग करीब, वैसे तो वहाँ पर 3 टरबाइन है, मैंने खुद देखा कि एक टरबाइन चल रही है, क्योंकि जो पानी की उम्मीद की थी वो पानी अब उनको स्रोतों से मिल रहा है, ऊपर ग्लेशियरों से पानी घट गया है, इसलिए एक टरबाइन चल रही है। करीब मेरे ख्याल से 2,500 मेगावाट बिजली का वहाँ से उत्पादन हो रहा है और सब जगह बढ़ रहा है, उसमें दिल्ली भी, हरियाणा भी, UP भी, उत्तराखंड भी। लेकिन वहाँ पर जो टरबाइन लगी हैं, कितनी कॉस्टली टरबाइन है, सारी विदेश से मंगाई गई हैं और उसको बनाने में टनलिंग वगैरह जो कहीं वहाँ पर आप देखोगे, इतनी भयंकर वर्ल्ड लेवल की टनल बनाई गई है, क्या वो फ्री में बन गई है। वहाँ पर मजदूर काम करते हैं सैकड़ों, वहाँ पर मैनेजर लोग काम करते हैं, वहाँ पर इंजीनियर लोग काम करते हैं, अगर आप देखोगे उनकी प्रति माह की सैलरी सबकी मिला के और पूरा मेंटेनेंस का खर्चा करोड़ों में, तो ये जो करोड़ों का खर्चा महीने का है बिजली पैदा करने में, ये कहाँ से आएगा। वो अच्छी बात है हमको फ्री में चीज़ें मिल जाए, वो सही है, लेकिन क्या होगा आप खुद सोचिए। कुछ लोगों को हमने क्या देना है, सैलरी देनी, तो सैलरी एक तरफ हम देते जाएंगे और हमारा जो बिल है फ्री का है, तो हमारा जो खर्चा है, आउटपुट इनपुट होता है ना, आपने सुना होगा साइकिल होती है, तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी। हम देने देने वाला ही कर रहे हैं, लेने वाला हमारे पास सोर्स कहीं नहीं है। भाई आमदनी भी तो होनी चाहिए, आय के स्रोत भी तो होने चाहिए, तभी तो आप फ्री दोगे, फ्री कैसे दे दोगे आप। इसकी वजह से क्या, आप कभी, मैं बहुत एक उदाहरण देखता हूँ, बहुत सारे, एक वेनेजुएला बहुत विकसित देश है, था मतलब पहले ऑयल कंट्री है, बहुत ज़्यादा उसके पास ऑयल का उत्पादन था, वहाँ की राजा ने जो है, राष्ट्रपति ने यह घोषणा की हुई है, ह्यूगो चावेज करके नाम है, क्या मैं भूल गया हूँ, कि बहुत सी सुविधाएं उन्हें नागरिकों को फ्री दे दी और नागरिक आराम परोश हो गए, जिसकी वजह से वहाँ जो विकास था वो कम होता चला गया, उत्पादन कम हो गया, क्योंकि लोगों ने काम करना छोड़ दिया। आज लिहाजा जो है वेनेजुएला की जो करेंसी है, एक उसमें बताते हैं कि 5 लाख जो उनकी करेंसी क्रोनर या कुछ है, उनका जो वेनेजुएला का जो क्रोनर है राशि, उसको लेके जब 5 लाख रुपये आदमी बाजार में जाता है तो सिर्फ 1/2 किलो चीनी खरीद पाता है, ये हालत वहाँ की है। तो आप क्या चाहते हो, हमारी हालत भी यही हो जाए, क्योंकि सुविधा को हमको लगता है बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारी वाली पीढ़ी के लिए ठीक है, लेकिन हमारे वाली जो बाद आने वाली पीढ़ी है वो भिखारी बन जाएगी। तो आपको तय ये करना है, राजनीति चाहे कोई भी किसी भी हो, आपको भविष्य को एक भिखारी देना है या एक राजा देना है, ये सब आप पर है, ये चर्चा है, इस पर बहुत गहन विषय करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह ठीक है, सब दल लोग अपनी सत्ता पाने के लिए तरीके करते हैं, लेकिन उसके फायदे जनता को आप समझने चाहिए, वो वक्त आ गया, प्लस माइनस करना जनता को आना चाहिए। आप निर्दली को वोट दे दो, लेकिन जो गलत वायदे कर रहा है ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई चर्चा के साथ। नमस्कार।